राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास दमो। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा दमो। अरे ओ सांभा, ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पीसा आटा खिलाते हैं रे? माँ, शोले में गब्बर ये पूछता रहा, लेकिन मैं बसंती उस वक्त जवाब नहीं दे पाई। पर अब कोई पूछे तो मेरा जवाब है सिल्वर कॉइन ट्रेडिशनल चक्की फ्रेश आटा। सिल्वर कॉइन आटा, पहचानो ताकत खुद की। दमोह के समाज सेवी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण टंडन के निवास पर म्यूजिक वीडियो का लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस म्यूजिक वीडियो में मुख्य भूमिका में स्वयं अरुण टंडन और उनकी पत्नी अनीता टंडन हैं। इस म्यूजिक वीडियो की अधिकतर शूटिंग दमोह की कई लोकेशंस पर की गई हैं। वहीं इसमें स्थानीय कलाकारों ने हिस्सा लिया है। नारी शक्ति और इंडियन एयरफोर्स पर आधारित इस भावुक कर देने वाले म्यूजिक वीडियो में ब्रजेश ब्रज ने अपनी आवाज दी है। इस म्यूजिक वीडियो के लॉन्च समारोह में अरुण टंडन और गायक ब्रजेश ब्रज ने इस वीडियो से जुड़ी अपनी भावनाओं और संस्मरणों को साझा किया। तूफान टीवी के माध्यम से आप भी देखिए इस म्यूजिक वीडियो को, साथ ही सुनिए क्या कहना था कांग्रेस नेता अरुण टंडन और गायक ब्रजेश ब्रज का इस म्यूजिक वीडियो को लेकर। ओ बाबा मुझे ला दे गुड़िया प्यारी और सुहानी, झुला दे गुड़ी प्यारी और सुहानी। गुड्डा मेरा हुआ सयाना, शादी उसकी रचानी। सब दस्तूर करेंगे पूरे, भरेंगे मेहर का पानी। बाबा मुझको ला दे गुड़िया, शादी उसकी रचानी। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, मेरे बाबा माई। मोह छोड़ किसी और के घर है जाना, वहां चले ना कोई गलती और ना कोई बहाना। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, मेरे बाबा। रीत है प्रीत का मोह छोड़ किसी और के घर है जाना, वहां चले ना कोई गलती और ना कोई बहाना। अपना कौन पराया है जो फर्क बता दे मुझको। मैं ना दान ना जानू इन्ना, ये तो पता है तुझको। ओ माई, मेरी माई, ओ माई, मेरी माई, माई।
ये जो वीडियो है ये सबसे पहले तो एक नारी की जो एक जीवन यात्रा है उस यात्रा को दर्शाता है, और उनके कहते ना कि एक शुरू से लेके एक अंत तक हमने एक लेडी का एक नारी का हमने एक यात्रा दिखाई है, इसमें स्टोरी दिखाई है। इसमें ये नारी सशक्तिकरण के ऊपर है ये वीडियो जो है, और इसके अलावा ये वायु जो सॉरी भारतीय जो वायुसेना है उसको ट्रिब्यूट है हमारी ओर से, जिसको रब की म्यूज़िक पर लॉन्च किया गया है। और इस वीडियो में जो है नेशनलाइज पूरा वर्क हुआ है, पूरा मुंबई से हमारी टीम आई थी, इंदौर और मुंबई से हमारी पूरी टीम आई थी, और इसके अलावा जिसमें आर्टिस्ट है वो हरियाणवी आर्टिस्ट है, काफ़ी सक्सेस आर्टिस्ट है, जो माही ढाका इसमें फीचरिंग में है। तो इसका जो लीड कैरेक्टर है वो हमारे दमों से सबके चहेते, और एग्जैक्टली वो है तो ये प्रोजेक्ट हो पाया, बिकॉज उनके बिना तो नहीं हो पाता था। सब कुछ कहते ना कि वो ताकत है, उन्होंने सारी चीज़ें इसमें मैनेज किया। तो हमारे जो प्यारे से भैया हैं अरुण भैया, अरुण टंडन जी, आपने इसमें लीड कैरेक्टर निभाया है, क्योंकि इसमें जो वीडियो रिलेट करता है ये पिता और जो पिता की एक बेटी होती है उस चीज़ के बारे में, हमने उस रिश्ते के बारे में बताया, माता पिता का संबंध एक बेटी से क्या होता है। देन इसमें भाभी जी ने भी कैरेक्टर किया, हमारी जो अनीता भाभी जी हैं, अनीता टंडन जी मतलब भैया की जो वाइफ है, तो आपने भी इसमें मतलब एक्ट किया है, तो माता पिता का दोनों ने एक्ट किया इसमें। और जो माही ढाका है उसकी हमने इसमें जो स्टोरी बनाई थी, तो जो लीड रोल है वो माही ढाका का है, शी इज़ फ्रॉम पानीपत, और आप बहुत सारे एल्बम्स में आपको देखने मिलेंगे इंटरनेट पर, काफ़ी वायरल हो। और इसके अलावा हमने और भी कुछ कैरेक्टर्स लिए हैं, जैसे कि उसमें उसका जो बचपन की भूमिका है उसका निर्वहन किया है वानिया तिवारी ने, देन मिड में आती है तो फिर नैना ने इसका मतलब भूमिका का निर्वहन किया है। तो एग्जैक्टली ऐसे करके है ये जो वीडियो है, और इसका जो सॉन्ग है ऑफकोर्स वो मेरे द्वारा गाया गया है, ब्रजेश ब्रज, और इसको डायरेक्ट भी मैंने किया है, और वीडियो एंड ऑडियो दोनों मैंने डायरेक्ट किए हैं। इसमें म्यूजिक जो है वो कुणाल सोनी ने मतलब दिया है इसमें, और रब की म्यूजिक पर ये लॉन्च हुआ ये वाला। पहला गीत है आपका कि इसके पहले भी? नहीं, मैंने इसके पहले एक्चुअली आई एम फ्रॉम दमो, मैंने कहा ना ये सारी चीज़ें जो हो पा रही हैं भैया के कारण है, तो डेफिनेटली ये मेरा पहला प्रोजेक्ट नहीं है, मैं दमो से हूँ। इससे पहले मैं टी सीरीज़ के लिए भी परफॉर्म कर चुका हूँ, मतलब टी सीरीज़ के लिए भी मेरा एल्बम है, और भी लगभग बहुत सारे एल्बम्स मैंने निकाल रखे। ये वाला एल्बम मेरा भी रिसेंट है, कुछ दिन से मैं बागेश्वर महाराज जी के लिए भी गा रहा हूँ। लास्ट एल्बम जो था वो बागेश्वर महाराज जी का जो भारत ज्वाइन भारत अभियान चल रहा है उसके लिए थीम सॉन्ग है जो मैंने गाया है। उसके पहले साधु जी सीताराम जो आया था वो भी मैंने गाया था। साधु जी सीताराम में भी बहुत अच्छी भूमिका थी, जो हमने उसमें मतलब हमने भक्ति से रिलेटेड भी दिखाया था। देन एक पद्धति बहुत लुप्त हो रही थी, एक शैली रामायण जो पहले जगह जगह पर रामलीला होती थी वो लुप्त हो रही थी, तो उस शैली को हमने फिर से कोशिश की कि लोग उसके बारे में जाने। देन उसका जो उसका भी लीड कैरेक्टर है वो हमारे अरुण टंडन जी ने किया है, मतलब जो हमारे भैया हैं, तो रियली बहुत अच्छे एक्टर हैं, और आप लोग देखेंगे इसमें लीड कैरेक्टर उनका ही है, मैं तो सिंगर हूँ। सो माही और अरुण भैया एंड अनीता भाभी, इन लोगों ने तो रियली हम अभी मैं जितने भी लोग आ रहे हैं मुझे रोते हुए फ़ोन कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ चुके हैं। तो डेफिनेटली सब लोगों को बहुत हार्ट टचिंग लग रहा है ये सॉन्ग। इसमें एक बेटी की विदाई भी दिखाई है, देन उसको एक इंटेलिजेंसी दिखाई है कि अब बेटी बढ़ाओ और बेटी को पढ़ाओ, ये सारी चीज़ें भी हमने इस वीडियो में दिखाई हैं, और डेफिनेटली आपको और भी कुछ देखने मिलेगा। आप जब खुद देखेंगे, आई थिंक मैं उसको बहुत अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, जो उसको देखने से फील होता है आई थिंक मैं नहीं कह पा रहा हूँ, आप देखेंगे तो जानेंगे। एक वीडियो लॉन्च हुआ है आज, वीडियो एल्बम लॉन्च किया है, आपकी बड़ी बड़ी भूमिका है, दमो के लोग एक नए रोल में आपको देखेंगे, किस तरह से विचार मन में आया और कैसे इसको? देखिए काफ़ी पुराना इंस्टेंट है, जब रत्नेश सोलोमन जी यहाँ मंत्री होते थे तो मैंने और मेरी वाइफ ने अनीता ने हमने एक लोकल आर्टिस्टों को प्रमोट करने के लिए कैंप लगाया था, जिसमें हमने पेंटर्स को बुलाया था जो छोटे छोटे काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले, कॉटेज इंडस्ट्री के काम करने वाले। तो शुरू से हमारी एक भावना रही कि हम किसी तरीके से लोकल आर्टिस्टों को प्रमोट करें। चांस की बात है एक दिन हमारी ब्रजेश भाई से मुलाकात हुई और हमने इनको इनके अंदर जो टैलेंट था छुपा हुआ वो हमने देखा, इनका गाना सुना,
फिर हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि हम लोग रोज शाम को 2 घंटे भजन करेंगे, गाना गाएंगे। आप लोगों ने देखा ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह इसीलिए लगा हुआ है, डेली शाम को पिछले 1.5-2 साल से हम लोग 2 घंटे भजन भी करते हैं, गाना भी गाते हैं। धीरे धीरे एक आइडिया है कि क्यों ना इसको लोकल आर्टिस्टों को प्रमोट किया जाए और यूट्यूब पे लाया जाए, जो नेशनल लेवल पे इनको लेके जाए। इस भावना से मैंने ब्रजेश से कहा कि ब्रजेश कोई एक नेशनल लेवल पे ऐसा प्रोग्राम बनाए जो नारी सशक्तिकरण को लेके हो, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ एक लड़की की भावना और एक माता पिता की भावना बेटी के प्रति क्या है वो उसमें समावेश होना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है, ब्रजेश ने उस सॉन्ग को बहुत अच्छे से दर्शाया और डायरेक्ट किया, बहुत अच्छे से बनाया। उसमें भावना जो है साथ साथ उसमें ये भी है कि एक लड़की क्या नहीं कर सकती, जैसे एयरफोर्स में जाती है। आज हम लोग भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की बेटियां झंडा फैला रही हैं हर हर क्षेत्र में, हर जगह। उसी चीज को हम लोगों ने दर्शाने के लिए किया था कि अब एयरफोर्स भी उनके लिए नई नई नहीं, लेकिन तो लोग कहते थे आर्मी में बेटियां नहीं जा सकती, लेडीज का क्या काम है, लड़कियां क्या कर लेंगी वहां। लेकिन ये दिखाई इसलिए गया है कि नहीं, जितना आज मेल कर सकता है उतनी फीमेल कर सकता है, हमारी बेटियां भी उतना ही आगे बढ़ सकती हैं। और वो भावना बहुत अच्छे से प्रदर्शित करी गई है, जो फ्लैशबैक में बताया गया कि एक छोटी बच्ची कैसे बड़ी होती है, उसकी शादी की तैयारी होती है, वो अपने बॉर्डर पे होती है और शादी के लिए हम उसको बुला रहे हैं और हमें जो समाचार मिलता है वो आखिरी में आपको देखने को मिलेगा। और उसी भावना को लेके हम लोगों ने ये बनाया है और मुझे मौका मिला एक लीड रोल करने का। इसके साथ साथ कई मौके और मिले थे, हम लोगों ने 4-5 वीडियो और बनाए हैं, सूनर लेटर वो भी हमारे आने वाले हैं। और शूटिंग के लिए हमने दमों को ही चूज किया, मेरा घर भी है उस शूटिंग में। और हम चाहते हैं कि केवल लोकल आर्टिस्ट को ही प्रमोट करें, लोकल सॉन्ग्स को प्रमोट करें, हमारे कल्चर को प्रमोट करें। थैंक यू। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।